going to unboxing iTel mobile को हम 825 Pro को अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहे हैं। आज जो हमारे पास डिवाइस है अनबॉक्सिंग करने के लिए, ये iTel कंपनी के और बहुत ही अच्छे बजट में है, जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा। और ये 825 Pro मॉडल है जिसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे। इससे पहले हमारा YouTube चैनल पाकटेल मोबाइल स्टोर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको मोबाइल एक्सेसरी की ऐसी नई वीडियो और नए नोटिफिकेशन आप जल्द से जल्द मिलते रहे। आइए इनको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमें इनको अनबॉक्स करने के बाद हमें इस बॉक्स में क्या देखने को मिलता है। आइए लेट्स गो। सो गाइस, क्विकली मैं आपको iTel A25 Pro के कुछ फीचर्स बता देता हूँ। ये iTel A25 Pro 32GB ROM और 2GB RAM में आता है, और इसके साथ 3020 mAh की इसकी इन्होंने इसके साथ बैटरी दी हुई है। और उसने इनके कुछ स्पेसिफिकेशन दी है जिसमें इन्होंने इसका एंड्रॉयड 9 गोडिशन दिया हुआ है, और जो इसका डिस्प्ले है वो 5.0 HD ब्राइटर स्क्रीन का डिस्प्ले दिया हुआ है। उसके बाद ये 4G लाइट और वोल्ट ऐप, और ये 32GB ROM और 2GB RAM के साथ अवेलेबल है। उसके बाद इसमें एक फीचर दिया गया कम प्राइस में है तकरीबन, फिर भी उन्होंने फेस अनलॉक का उसने फीचर दिया हुआ है। उसके बाद जैसे पहले हमने आपको बता दिया है 3020 mAh की इसके साथ बैटरी दी हुई है, और जो इसका रेयर कैमरा दिया हुआ है वो 5.0 मेगापिक्सल का दिया हुआ है। और जो इसके बाद उन्होंने इसके साथ इसका फ्रंट कैमरा दिया हुआ है वो 2.0 मेगापिक्सल का दिया हुआ है। और इसमें जो कोर इस्तेमाल हुई है वो क्वाड कोर 1.4 GHz इस्तेमाल हुई है। सो गाइस, अब हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस बॉक्स में मोबाइल और इसके साथ इसकी कौन कौन सी एक्सेसरीज दी गई हैं। ये देखें, ये हमारा बॉक्स ओपन हो गया है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इस बॉक्स में इस मोबाइल की उन्होंने हमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स इस मोबाइल के साथ साथ उन्होंने क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं हमें। सो गाइस, फाइनली हमने इस बॉक्स को ओपन कर लिया है, जिसमें ये देखें ये ओपन हो गया है। सबसे ऊपर उन्होंने ये डिवाइस दी हुई है, मोबाइल इनके उन्होंने दिया हुआ है। इसे हम साइड पे रखते हैं और आपको इसके अंदर दिखाते हैं कि इन्होंने मज़ीद इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। इस मोबाइल के अलावा, डिवाइस के अलावा, उन्होंने इसके साथ इसका एक कवर दिया हुआ है, ये देखें बैक कवर जिसे कहते हैं पाउची, उन्होंने ये इसके साथ दिया हुआ है मोबाइल के डिवाइस के साथ। और इसके बाद उन्होंने ये एक बैटरी अलग से इसमें दी हुई है जो आप इस्तेमाल करेंगे मोबाइल के दौरान। और इसके बाद उन्होंने एक चार्जर दिया हुआ है इसके साथ, और ये एक केबल भी दी हुई है जो डाटा केबल और चार्जिंग केबल के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने एक इसके साथ एक हैंड फ्री भी दी हुई है, ये देखें एक हैंड फ्री भी इसके साथ दी हुई है। और उसके बाद उन्होंने वारंटी कार्ड भी इसके साथ प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि 1 साल की वारंटी उन्होंने इसके साथ दी हुई है। और इसके बाद इस लास्ट में इसका क्विक मेन्यू दिया हुआ है। सो गाइस, ये इसके साथ उन्होंने इनकी प्रोडक्ट दी होगी। अब हम फाइनली अपनी डिवाइस की जान जाते हैं और इसका सेटअप करते हैं और आपको अपनी डिवाइस दिखाते हैं कि ये कैसी डिवाइस है और इसमें क्या क्या इन्होंने, ये देखें सबसे पहले ये, वाओ ऑसम, बहुत ही प्यारा लुक है इसका, जैसा कि आप देख रहे हैं इसका बहुत ही प्यारा उन्होंने लुक दिया हुआ है इसके साथ। ये इसका फ्रंट कैमरा दिया हुआ है, उसके बाद ये जो इसका फ्रंट कैमरा उन्होंने इसके साथ इसका दिया हुआ है वो 2.0 मेगापिक्सल का इन्होंने इसके साथ फ्रंट कैमरा दिया हुआ है। और उसके बाद जो ये बैक कैमरा दिया हुआ है, ये 5.0 मेगापिक्सल का एक बैक कैमरा है, और इसके साथ ये उन्होंने एक फ्लैश लाइट दी हुई है ये। और इसके बाद ये एक माइक पिन है इसकी, और उसके बाद ये चार्जिंग के लिए जैक दिया हुआ है, हैंड फ्री कीबोर्ड भी अवेलेबल है, उसके बाद सिम ट्रे है। तो ये बेस्ट डिवाइस है, तो हम इसे ओपन कर ऑन करते हैं और इसका सेटअप करते हैं। तो वैसे जैसे कि आपने सेट को देख लिया, अब हम आपको इसे इस्तेमाल करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपने इसे यहाँ से बैक से ये खुलेगा, तो आपने इसे बैक से इसे खोल लेना है। तो ये जब ऐसे बैक से ये खुल जाएगा तो आपने इस मोबाइल के अंदर पहले सबसे पहले बैटरी डालनी है। तो बैटरी डालेंगे हम इसमें,
ये देखें, ये इसका ये लुक है ये बैक में। तो यहाँ आपने इसकी बैटरी डालनी है, ये इन्होंने इसकी ये साथ आईटेल वालों ने इसकी साथ में बैटरी भी दी हुई है। ये देखें, ये इन्होंने इसके साथ आईटेल वालों ने इसकी बैटरी दी हुई है जो 3020 mAh की बैटरी है। तो हम इसे लगा के देखते हैं, ये देखें ये लग गई है। तो उसके बाद आपने इसे वैसे ही बंद कर देना है। तो यहाँ उन्होंने, यहाँ आप USB कार्ड इनपुट कर सकते हैं और इस जगह पर सिम 1 और इस जगह पर सिम 2 भी आप इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे वैसे ही जैसे था इसे बंद करते हैं। ये देखें, ये सेटअप हो गया, ये बिल्कुल हमने इसमें बैटरी डाल दी है और ये बंद हो गया है। और उसके बाद हम इसे अब ऑन करके देखते हैं। ये देखें, ये हमारा मोबाइल आईटेल ऑन हो गया है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद आपको इसका कैमरा दिखाते हैं और इसके बाद इसकी उधर फीचर्स हैं जो इसके दूसरे, वो भी आपको इसके दिखाते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये हमारा मोबाइल ऑन हो गया है। तो इसके बाद हम इसके सेटअप की तरफ जाते हैं और इसका सेटअप चेक कराते हैं आपको, ये इसका सेटअप हो रहा है। जी आपने अनबॉक्सिंग देखी है, हमने तमाम मालूमात आपको दे दी है। इंशाल्लाह आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हमारा वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इसके अबाउट कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करिएगा, हम इसका रिप्लाई देंगे। आई होप ये उतना परफॉर्मेंस नहीं थी मोबाइल की कितनी के हम कह सकते हैं, जो इस प्राइस में यही चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि इसके कैमरे से इसके कुछ फीचर्स देखे हमने, जरा स्लोली वर्क कर रहे थे लेकिन साफ जा रहा है इस प्राइस में, 8000 की प्राइस में हम यही चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दें और हमारा यूट्यूब चैनल पार्टनर मोबाइल स्टोर सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मोबाइल और मोबाइल फ़ोन एक्सेसरी का रिव्यू वीडियो वक्त पर मिलती रहे। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इसके अलावा हमारे जितने भी फॉलो पेज हैं फेसबुक अदर से कितने भी पेजेस हैं हमारे फेसबुक ट्विटर टिकटॉक वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर लें और इस तरह हम आपको कुरान आजमी शामिल कर लेंगे और उस कुरान आजमी हम एक वीवो का टच मोबाइल बिल्कुल फ्री देंगे। हो सकता है वो खुशकिस्मत आप हों तो जल्दी से कर लें ताकि आपको मोबाइल फ्री मिल सके। अपना भी के लोगों का ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड, उस पार के लिए इजाज़त दें, गुड बाय।